बीजेपी नेता और पंजाबी गायक हंसराज हंस ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अमरिंदर सरकार को जमकर लताड़ लगाई है और अमरिंदर सरकार के फेलियर को भी इसका प्रमुख कारण बताया है। हालांकि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को उन्होंने बेहतर इंसान बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक माह तक रहने पर उन्हें संतोष जाहिर किया है। हंस ने हिमाचल प्रदेश में भी बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के पक्ष में एक तरफा हवा चलने का दावा भी किया। हिमाचल की चुनावी रणभूमि में बीजेपी नेता और पंजाबी गायक हंसराज हंस ने ऊना में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। हंसराज हंस ने पंजाब में हिंदू संगठनों पर हो रहे हमले के लिए पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए इसे अमरिंदर सरकार की फेलियर करार दिया। हालांकि उन्होंने अमरिंदर सिंह को बेहतर इंसान जरूर बताया है। हंस ने हिमाचल प्रदेश में भी बिगड़ती कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में एक तरफा हवा चलने का दावा भी किया। देखो, हिमाचल में जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रही है ना पिछले 5 साल, जैसे गुड़िया कांड हो गया और टैंकी में से लाश निकली, बीमार हो गए लोग 30,000 और एक बच्चे की लाश निकली, बीच में से 30 लोगों की मृत्यु हो गई, जो वन की राखी कर रहा था हुशियार सिंह उसका कत्ल करके, तो हर शहर लोग बर्दाश्त कर ले करप्शन, एक खास तौर पे बेटियों की जहां इज्जत महफूज ना हो। ऊपर से बयान दे दिया सीएम साहब ने कि ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, उससे लोगों में रंजिश थी। अब मुकाबला यक तरफा हो गया है। मोदी साहब के आने के बाद जैसा उन्होंने जीएसटी को और नोटबंदी को क्लियर किया है, बाकी गरीबों के लिए योजनाएं उन्होंने की है, उसके बाद कमाल ही हो गई है, एकदम यक तरफा हो गया। और लहर नहीं, हवा नहीं, उन्होंने बोला आंधी चल रही, आंधी। हर दल को बहुत करीब से देखा है, अकाली दल को बहुत करीब से आपने देखा है, कांग्रेस को आपने बहुत करीब से देखा है, अब भारतीय जनता पार्टी में अकाली दल बीजेपी को, मैं क्या फर्क है? अकाली दल बीजेपी को मैंने बहुत क्लोज से देखा है, एक महीने के लिए किसी और को देखा मैं, फिर देखा ही नहीं। मैं अमरिंदर सरकार के अभी जो कार्यकाल चल रहा है उसमें ये देखा जा रहा है जो हिंदू संगठनों पर बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं जी, उस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस आपने उनके भी आप बहुत करीबी रहे, क्या देखते हैं आप? जी, वो तो अच्छे इंसान हैं, बहुत लाजवाब आदमी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से देखना उन्होंने ही है। अगर किसी की हत्या हो रही है या हमले हो रहे हैं, ये पंजाब पुलिस को और सीएम साहब को ही देखना पड़ेगा। उनका फेलियर मानते हैं? हाँ जी, उनका फेलियर अभी अभी शुरुआत है, फेलियर तो है ही, वो फेलियर ही बहुत बुरी तरह करेगी डैमेज, क्योंकि ड्रग का और बच्चियों की इज्जत का जो मसला बहुत उभरा है हिमाचल में। मैं बड़े दिनों से ही हूँ इधर, मैंने यही ऑब्जर्व किया कि गुड़िया कांड लोगों के दिल में बैठ गया।